में अभी एक सिचुएशन ये हो गई है कि हमारा पेट्रोल जो है खत्म होने वाला है। महंगो भाई अब तो आदत हो गई होगी आपको। मैं चढ़ ले रहा हूँ जैसे तैसे। यार न जाने क्यों मेरी नींद पहाड़ों में अपने आप ही जल्दी खुल जाती है। मानो पहाड़ मेरे को खुद जगा के बोलते हों कि सूरज की पहली किरण के नज़ारे पहाड़ों में किस्मत वालों को ही देखने को मिलते हैं। अब मैं इसे अपनी किस्मत समझूं या पहाड़ों के प्रति प्रेम, ये आप ही मुझे कमेंट करके बताइए। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज सेकंड डे है, अभी सुबह का बज रहा है अराउंड 6 और हम लोग निकलने वाले हैं पांडुखोली के लिए। तो मैं रेडी हो गया हूँ, फ्रेश ऑल होके पैकअप मैंने पैक कर लिया है, कैमरा पैक कर लिया है और सारा सामान अभी मैं यहाँ पे लॉक लगा लेता हूँ। नीचे मयंक भाई वेट कर रहे हैं। वैसे मैं अपने अलार्म से ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट पहले उठ गया था, पता नहीं कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक कहीं जाना हो तो और मैं अलार्म सेट करता हूँ तो मेरी अपने आप 5 मिनट पहले अलार्म से खुल जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर होता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से लंच वगैरह पैक करके ले जाने वाले हैं और जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो कहीं रस्ते में कर लेंगे, बिकॉज यहाँ से जो है माउंटेन्स की जर्नी आपको पता है कि रोड टेढ़ी मेढ़ी होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो गाइस मयंक भाई आ गए रेडी। मैं सोच रहा था मयंक भाई लेट करेंगे लेकिन ये सबसे पहले रेडी होके नीचे आ गए थे। तो भाई यहाँ से कितना दूर था? यहाँ से बाय रोड है 50, देन 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, अच्छा 3 किलोमीटर का ट्रैक अप्रॉक्स। अच्छा तो देख लो भाई, तो करीबन 3-4 घंटे लगेंगे हमें, 2-3 घंटे लगेंगे, डेढ़ घंटा बाय रोड और फिर दो घंटे का अप्रॉक्स ट्रैक। तो चलिए ठीक है, अपना सुबह जल्दी टाइम से निकलना ही बेटर है, क्यों? सो गाइस हम लोग निकल गए हैं और दर्शन भाई ने लंच पकड़ा वाला। दर्शन भाई लंच दिखा दो एक बार। तो ये लंच पैक करके ले जा रहे हैं यहाँ से हम, और ये जो मेरे पीछे दर्शन भाई आ रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से हम आधा घंटा लेट हुए हैं। ये सो गाइस तो अभी हम जा रहे हैं मयंक भाई की गाड़ी में, बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि मयंक भाई पहले बहुत बार गए हुए हैं और उनका हाथ भी सेट है तो फटाफट रास्ता उनको पता चल जाएंगे और साथ साथ में मुझे वीडियोज़ भी बनानी है। और प्लस पॉइंट ये कि आज वेदर जो है ना इतना सनी नहीं है, क्लाउडी वेदर है तो ट्रैक करने में आसानी होने वाली है। और दर्शन भाई तुम पहले कितने बार गए हुए? मैं अभी कम से कम 10 या 12 बार जा चुका हूँ। 10-12? हाँ, इस साल एक ही बार गया हूँ अभी तक। मतलब हर साल का टारगेट रहता है? हाँ, हर साल तो 3 बार जाता हूँ। चलो बढ़िया यार, बढ़िया। तो कैसा लगा वहाँ पे, कैसा है, मतलब मजा आता? काफी बढ़िया, हर बार मजा आता है, बोर नहीं होते? नहीं, बोर नहीं होते हम लोग। अच्छा, ऊपर जाके बुग्याल है ना मैदान, है ना एक पूरा मैदान है काफी बड़ा जिसे हम भीम का गद्दा कहते हैं। अच्छा, और उस पर पैर अगर जोर से मारोगे तो आवाज भी आती है। अच्छा, जैसे कोई गद्दा से। अभी मत बताओ डिटेल, थोड़ा वीडियो में बने रहो, थोड़ी देर में पता लगेगी। वीडियो पूरी देखो, वहीं जाके बताएंगे देख के ना एकदम पूरा प्रॉपर। तकरीबन 1.5 घंटा लगने वाला, तो 8:30-9 बजे करीब पहुंचेंगे वहाँ। धीरे धीरे चलेंगे अपना आराम से, आपको व्यूज वगैरह मैं दिखाते रहूंगा। भाई जब आप वहाँ से कुछ किलोमीटर आगे निकल जाओगे तो वहाँ से कट आएगा, तो वहाँ पे टी पॉइंट है। वहाँ से एक रोड तो अल्मोड़ा को जा रही है और एक रोड नीचे द्वाराहाट की साइड आती है, तो आपको द्वाराहाट वाली साइड वाली रोड में आना है। और प्लस यहाँ पे रोडें जो हैं थोड़ी बहुत पतली पतली सी हैं तो आपको आराम से आना है, ट्रक्स वगैरह बहुत चलते हैं। और साथ ही साथ में अभी एक सिचुएशन ये हो गई है कि हमारा पेट्रोल जो है ख़त्म होने वाला है और एक ही डंडा बचा हुआ है, और हमारे पीछे जो दर्शन भाई है उनका कहना है कि हो जाएगी, चल जाएगी। इन्होंने हमें पेट्रोल भराने नहीं दिया, हम सोच रहे थे ऊपर पेट्रोल भराने का, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं चल जाएगी। तो अगर गाड़ी रुकी अब तो यही धक्का देके लेने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहे, हम पहुंच पाते इस पेट्रोल के दौरान। कितने किलोमीटर होगा? 30 किलोमीटर है करीबन। बाकी यार यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप आ रहे हो तो इजीली इंजॉय कर सकते हो, रुक रुक के गाड़ी कहीं कहीं पे। और हिमालयस दिख रहा है आज, तो खैर क्लाउडी वेदर है, कभी कभी दिख रहा है कभी कभी हट जा रहा है। तो अगर आप आते हो तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं गए नेचर में रोक के और फोटोग्राफी वगैरह आराम से कर सकते हैं। सो पहले ऐना गाँव पड़ता है, फिर कुवाली पड़ता है, और भाई का भी घर उधर ही है। तो अभी सोच रहे थे हम उसके घर में जाके चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन अभी लेट हो रही है और तेल का भी देखना है अभी, है ना, तो वही इसलिए सीधे चल रहे हैं। तो अभी प्लान ये है कि द्वाराहाट जाएंगे, द्वाराहाट से तेल भराएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाके अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर वासुली सेरा करके एक जगह है, यहाँ पर आए हुए। तो यहाँ पे अमेजिंग लैंडस्केप है, बीच में पूरी वैली है और चारों ओर पहाड़ और एक बीच में छोटी सी नदी। इन पहाड़ों, खेतों और इस नदी के नज़ारे को देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। यार कितना अच्छा लगता है ना कि अगर नेचर आपको किसी मोड़ के बाद कोई ऐसा सरप्राइज दे दे। तो गाइस हम लोग पेट्रोल ख़त्म होने से पहले द्वाराहाट पहुंच गए थे और अभी पेट्रोल भरा रहे हैं यहाँ से। अभी यहाँ से कितना वापस जाना है हमने? यहाँ से हमने 15 किलोमीटर। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर वापस जाना है, फिर वहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। बट अभी भूख भी लग गई है तो वहाँ पे थोड़ा मैगी वगैरह खा लेंगे, उसका फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे।
सो गाइस पांडुखोली पहुंचने से तकरीबन 2-3 किलोमीटर पहले यहाँ पे दूलागिरी माता का मंदिर पड़ता है जो कि काफ़ी फेमस टेंपल है यहाँ पे। अगर आप आते हो तो जरूर दर्शन करना। हम लोग एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में ही लेट निकले थे तो अभी टाइम नहीं है बिकॉज हमें वापस भी जाना है, इसलिए हम जा नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप आते हो तो जरूर जाना। ऐसे 300-350 सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी ऊपर, और ऊपर जाके बहुत ही अमेजिंग और बहुत पुराना मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप नाश्ता पानी वगैरह कर सकते हैं, साथ साथ में यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें भी हैं, तो इनसे आप प्रसाद वगैरह लेके सीधे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप पहले गए हो यहाँ पे तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैगी और क्या क्या भाई साहब? मैगी होगा, छोला समोसा होगा, चाउमीन होगी। सो गाइस हमने तो करा ली है मैगी, 2 मिनट में तैयार हो जाती है, फटाफट हमें निकलना भी है बिकॉज तो मैगी वैगी खा लेते हैं, भूख भी लग गई थी क्योंकि पहाड़ों में खाली पेट सफर करो तो ना तो पेट भी घूमने लग जाता है। सो गाइस मैगी के बदले हमने मंगा लिया है छोले समोसा क्योंकि ये रेडी था, एकदम तैयार हो गया था एकदम से। सो गाइस दूलागिरी मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के हमें कुकुचिना विलेज में पहुँच गए हैं। तो यहीं से जो है ट्रैक स्टार्ट होता है पांडुखोली का। यहाँ हमने गाड़ी साइड में लगा दी, यहाँ पे गाड़ी लगानी पड़ती है। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ पे मैगी वगैरह और पानी वगैरह चीज़ें अगर आपको ले जानी है वहाँ तो आप वो ले सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से पानी परचेस कर रहे हैं बिकॉज पानी लाना हम भूल गए थे। सो गाइस आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, अगर आप लोगों के पास टाइम है ज़्यादा तो यहाँ पे 2 रास्ते कट रहे हैं। जैसे ये एक रास्ता जो ये जो मेरे सामने से पीछे से देख रहे हो आप, ये कट रहा है एक जिससे हम जाएंगे वहाँ से, तो ये 2 रास्ते, ये जो रास्ता है जाता है महावतार बाबा जी की गुफा की। तो थोड़ा बताइए सर यहाँ के बारे में कि क्या है गुफा, ये कब बनी थी, क्या हुआ था? ये काफ़ी पुरानी प्राचीन टाइम की है गुफा है, बेसिकली वो एक चट्टान है, उसके अंदर एक गुफा है जहाँ पे लोग जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए। अच्छा, मेडिटेशन के लिए है मेन। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था रजनीकांत, हाँ, रजनीकांत यहाँ पे आते हैं। अच्छा, और बीच में एक लाइब्रेरी भी है। अच्छा, रास्ते में ही पड़ती है वो लाइब्रेरी में, वहाँ लोग मेडिटेट भी करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं। सो गाइस ये है रोड और ये यहाँ से अपना पांडुकुली का हो जाता है ट्रैक स्टार्ट। तो ये स्टार्टिंग में तो अभी ठीक लग रहा है, सीधे स्टार्ट होते ही इंक्लाइंड है एकदम से। सो गाइस अभी स्टार्टिंग में तो रास्ता ठीक लग रहा है और नॉर्मल सा लग रहा है, बट मयंक भाई बता रहे हैं कि आगे जाके एक दुकान पड़ती है, उस दुकान के बाद जो है रास्ता बहुत ही स्टीप हो जाता है। तो मतलब डरा रहे हैं फुल मेरे को कि लेकिन कोई नहीं, हम भी कर लेंगे भाई, बहुत ट्रैक निपटाएं ये भी निपटा लेंगे ऐसी धीरे धीरे, है कि नहीं? और बाकी तो यार ठीक ही लग रहा है आज, लकीली थोड़ा वेदर अभी तो ठीक लग रहा है, क्लाउडी क्लाउडी, आई होप रेन ना हो, और क्योंकि हमारे पास ना छाता है ना रेनकोट है, और ट्रैकिंग में तो अच्छा लगता है ऐसा वेदर, बट ऊपर जाके खुल जाए तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज तभी व्यू हमें अच्छे से दिख पाएगा। सो गाइस थोड़ा सा और चलने के बाद हम लोग पहुँच गए इस दुकान पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा ट्रैक कठिन हो जाता है। तो ये लास्ट दुकान है यहाँ पर, यहाँ से आप सामान कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हो। सो गाइस ये हमारे दर्शन भाई जो हैं, इनके तो दर्शन दुर्लभ हो जा रहे हैं, ये गायब हो जा रहे हैं बिल्कुल, और मयंक भाई थोड़े थक गए थे यहाँ पर, 2 मिनट का ब्रेक चल रहा है। और हमारे भाई लोकल भाई मिले हैं। भाई आप क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह आप यहीं के हो? यहाँ कितना टाइम लगता है आपको चढ़ने में ऊपर? 40 मिनट करीबन लग जाते हैं। ये सही है यार, 40 मिनट हमको कितना लग जाएगा? आपको लग जाएगा 1 घंटा करीबन, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सो गाइस ये है पूरी वैली, पूरी ग्रीन अमेजिंग लग रही है, और ये जो नीचे अवतार बाबा वाली गुफा वाला रास्ता है, सामने जो मिट्टी वाला रास्ता दिख रहा है और वो जाना है हमें ऊपर टॉप में। वो देखो दर्शन भाई के फिर से दर्शन दुर्लभ हो गए। तो गाइस इस तरह से अगर आपको आदत है तो आप शॉर्टकट लेते हुए भी निकल सकते हो। हैं? अरे यार तुम आगे भाग जा रहे हो, फिर बताएगा कौन? ऐसा थोड़ी ना होता है, साथ में चलना पड़ता भाई, रुकने का थोड़ी ना होता, साथ में चलना पड़ता। तिवारी जी पीछे से लेके आ रहा हूँ, अभी वहीं पहुँचे मोड़ में घूम के आ रहे हैं। सो गाइस अभी हमारी एक पहाड़ी पार हो गई है, अब एक और दो और बची हैं। हाँ। दो और ऐसी पहाड़ी बची, बट और बची है, बट ट्रैक इतना लंबा नहीं है ना? नहीं ज़्यादा लंबा नहीं है, ट्रैक ठीक है, मतलब इतना खास चढ़ाई तो नहीं है, नॉर्मल सा मॉडरेट से मैं कहूँगा, ईजी टू मॉडरेट है, और व्यू देख लो यार आप खुद ही। बट एक चीज़ रिकमेंडेबल है कि अगर आप आ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग आ जाए बिकॉज ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद शाम को अंधेरा होने से पहले आप नीचे पहुंच जाओ बिकॉज ये पूरा इंटायर जंगल है और यहाँ जंगली जानवर का खतरा ऑब्वियसली होगा ही होगा। कम ऑन मयंक भाई थोड़ा सा रह गया है। अभी तो बहुत है भाई। अरे आपको तो पता है पहले से, कहाँ मैं बता रहा, कहाँ मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। दर्शन भाई बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे लकड़ी डाली जाती है जो भी आता है। हाँ बताओ भाई क्यों डालते हैं लकड़ी यहाँ पे? बताते हैं कि कोई एक्सपायर हुआ है उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए यहाँ पे लकड़ी डाली जाती है। कितने टाइम पहले की बात है ये? काफ़ी पुरानी, ये मानो कि कम से कम 50-60 साल पहले। अच्छा, हाँ भाई साहब ये देख लो भाई। मयंक भाई अब तो आदत हो गई होगी आपको?
स्टडी ले रहा हूँ जैसे तैसे। बहुत बार आना हो चुका है यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे कुछ एक पेड़ मिला है जहाँ पे कुछ पत्ते ना बहुत सारे चमक रहे हैं, मतलब शाइन आ रहा है उनकी लीव्स में जैसे कि आप देखोगे, बट सेम एट द सेम टाइम जो नीचे वाले लीव्स हैं बिल्कुल डल डल सी लग रही है, बट इन पर्टिकुलर लीव्स में देखो कितने शाइन आ रहा है। सो गाइस ये मेन रास्ता जा रहा है यहाँ से, यहाँ से एक शॉर्टकट है तो हम शॉर्टकट लेके आगे बढ़ रहे हैं। नेटवर्क तो पूरा आ रहा है भाई, देख लो फोन पे बात कर रहा है बट यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, बट नेटवर्क पूरा आ रहा है। मयंक भाई कहाँ रह गए? आओ भाई आओ। सो दोस्तों ये रहा सामने पहला गेट हमारा, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। सो गाइस ये लिखा हुआ है स्वर्गपुरी पांडुखली, तो ये रहा पहला गेट और हम चलते हैं इसके अंदर घंटी बजाते हुए। भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, चाय वाय वगैरह ना। चाय हर्बल टी मिलती है। सो गाइस ये चाय का ना टेस्ट ही अलग है, मतलब मैंने आज तक कभी ऐसी चाय नहीं पी, सीरियसली बता रहा हूँ।